मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश यादव का जन्मदिन सायन कोलीवाड़ा महोत्सव के उद्घाटन के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सभी ने गणेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ज्यांचा वाढदिवस आहे असे आमचे मित्र युवा नेता वाढदिवस याच्यासाठी म्हटला की तो वाढणारा दिवस आहे, अजून त्यांना पुढे जायचं आहे, अजून त्यांना खूप काम करायचं आहे आणि आपलं कर्तृत्व या मतदारसंघामध्ये नव्हे तर देशामध्ये चमकवायचं आहे असे आमचे मित्र गणेश यादव जी। गणेश जी यादव इसका मतलब काम करने वाला एक युवा नेता है, सबको साथ में लेके जाता है। आज गणेश यादव जी का वाढदिवस मित्र मी ह्या भागातील सर्व रहिवाशांच्या तर्फे त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि आज गणेश यादव जींनी सायन कोलीवाडा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल मी ह्या विभागाचे कोळी बांधवच्या तर्फे गणेश यादव जींचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। कारण आपल्या सर्वांना माहितच आहे की मुंबई कोळी समाजांचा खांद्यावर उभारली आहे और इसलिए कोली समाज की जो विशेषताएं हैं वो जनता के सामने रखना। मैं मानता हूं गणेश भाई आज आपके जो बर्थडे है, बर्थडे की जो शुरुआत हुई एक बहुत ही अच्छी तरह से आपने प्रारंभ किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि कई दशकों से, कई वर्षों से एकनाथ गायकवाड़ जी इस क्षेत्र के MP भी रह चुके हैं, खासदार भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ काम किया है। और सायन के बारे में जब कहा जाता है तब सायन एक ऐसे क्षेत्र है जो मिनी इंडिया है। मुंबई भारत के सभी भाषा, प्रांत, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं और मैं आपको इस बात का आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सायन की जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करना ये कांग्रेस पार्टी का, गणेश यादव जी का, एकनाथ गायकवाड़ जी का, हम सब का कर्तव्य हमेशा रहा है और भविष्य में भी रहेगा। और मैं खास करके एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारने के बाद अपने क्षेत्र के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है कि गणेश यादव जी को जब टिकट मिला इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का, चुनाव हारने के बाद भी उसके बावजूद इस क्षेत्र की जनता के लिए और खास करके जरूरतमंद जनता के लिए उनके समस्याओं को दूर करने के लिए वे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जनता का प्यार है और इस प्यार को मैं धन्यवाद देता हूं कि मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतने लोग आएंगे और आज सायन कोलीवाड़ा महोत्सव का जो आयोजन हमने किया है उसके आज इनॉग्रेशन सेरेमनी में इतना बड़ा भारी भरकम भीड़ आया है, इससे दिखता है कि आज जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो सरकार महाराष्ट्र में बना है वो सफल तरीके से चल रहा है, इसके लिए जनता का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। देखिए आज हमने एक मेरे कार्यकर्ता और जनता, ये मेरी फैमिली है, तो मेरे फैमिली और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को आज मुझे मिलने का मौका मिला और मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो विश करने आए। और हमारा ये कम्युनल हार्मनी का एक संदेश जो सायन कोलीवाड़ा महोत्सव के माध्यम से हम देना चाहते हैं वो सफलतापूर्वक चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। ये युवा नेता दुनिया के लिए मेरा बेटा है, गणेश को बहुत पहले से जानती हूँ, मेरा बेटा और एक शक्ल के, आज तक मैं उसको नेता समझ के नहीं बेटा समझ के समझ रही हूँ। और उनको बहुत लंबी उम्र मिले, किसी की नज़र ना लगे, हर दुश्मन से बचा जाए और आगे और तरक्की करे, अगले इलेक्शन में आमदार होना चाहिए, ये मेरी दुआ है। आज गणपति सिद्धि विनायक का दिन है और गणेश जी का जन्मदिन है, तो इसलिए बोलती हूँ गणपति जैसा विघ्नहर्ता है वैसा वो विघ्नहर्ता बने, सबका रक्षण करे और अच्छा राजकारण में सक्षम हो जाए, ये मेरी दुआ है उनसे। बाकी एक बेटे के लिए माँ इंजॉय करती है वैसे मैंने आज इंजॉय किया। मैं ये भूल गई मैं नगर सेविका हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये समझ के मैं इंजॉय किया। आने वाले दिन में
यूथ कांग्रेस और युवा नेता बोल के युवा नेता जो है वो मुंबई कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है और एमएलए के लिए चुनाव में खड़ा था हूँ। दुर्भाग्य से चुनाव मुझे हार गया लेकिन कोशिश किया उसने और इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने सुना अभी, इतना बड़ा प्रोग्राम किसने किया नहीं, ये साइन कोलीवाड़ा एरिया के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके विजय में सब कांग्रेस वाले को साथ में जमा कर रहे हो, सब जो साथ में सबका मान सम्मान करता है और उसका भविष्य बहुत अच्छा है और भगवान उसको अच्छी तरह से अच्छा आयुष्य दे और आगे उसका फ्यूचर अच्छा रखे। हम लोग मेरे तरफ से, परिवार से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको हम शुभेच्छा दे रहे हैं। आज हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश कुमार यादव जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन की शुभेच्छा देने के लिए तमाम यहाँ के प्रदेश नगर के निवासी, मुंबई कांग्रेस के जिला के सभी पदाधिकारी उन्हें अपनी शुभेच्छा देने आए हैं। आज ये ऐसा मौका है कि उनके जन्मदिन के उत्सव पर एक साइन कोलीवाड़ा महोत्सव करके यहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है कि जो 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक मनाया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, नृत्य स्पर्धा है, आपका ड्राइंग कंपटीशन है, उसके साथ में यहाँ पर कई तरह के स्टॉल लगे हैं जो एक लोगों के बीच हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो बेरोजगारी यहाँ पर चल रही है लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, उस तरह का हम यहाँ पे एक प्रतिमा हमने बनाई हुई है और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमारी महा विकास अघाड़ी की सरकार है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उतरे, लोगों की समस्या को दूर करे। और मैं फिर से एक बार हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गणेश कुमार यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतना बड़ा उत्सव रखा है गणेश यादव ने यहाँ पे, तो ये सहन, मटुंगा, वडाला, दादर, प्रतीक्षा नगर, एंटोपिल, ये सभी लोगों के लिए एक आनंद का उत्सव है और ऐसे फेस्टिवल सब लोगों ने करना चाहिए ताकि एक मिलावट है, तो यहाँ पे लोग का मिलना होता है, यहाँ पे बिजनेस होता है। जो आज ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है उसको ये माइनस करके ये पब्लिक को अपने आप जो प्रोडक्ट देखने को मौका मिलता है और प्रोडक्ट को देख के बाय करने का एक अवसर मिलता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं गणेश जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा आयोजन हर साल हो सके 6-6 महीने में करे, ऐसी दुआ देता हूँ मैं। आज गणेश यादव मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष युवाचे यांचा वाढदिवस आहे, त्या वाढनिमित्त त्यांना वाढ क्रमांक 173 या 73 कडून त्यांना भरपूर हार्दिक शुभेच्छा देतो आम्ही वार्ड क्रमांक याच्याबरोबर म्हणून, आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो हे आमच्या वार्ड क्रमांक 173 वतीने हार्दिक शुभेच्छा आम्ही त्यांना देतो आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो। हे आम्हाला युवा मुंबई का अध्यक्ष गणेश यादव का हमको बहुत गर्व है, बहुत खुशी है जो उन्होंने ये तरीके से जन्मदिन मनाया, जैसा कि ये विधानसभा से वो खड़े थे और वही तरीके से इलेक्शन में भी काम वही तरीके से करते आए और आगे भी वैसे करते रहेंगे, हमें बहुत खुशी है। हम लोग सब ब्लॉक अध्यक्ष है इधर के, सब तालुके के, मैं तो यही कहूँगा उनको लाख लाख शुभेच्छा दूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। शुभकामना मैं ये दे रहा हूँ कि हमारे साइन कोलीवाड़ा में ऐसा तेज तर्रार नेतृत्व करने वाला हमारा जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष श्री गणेश कुमार यादव जी, जिनका आज बहुत खुशियाँ मनाई जा रही, उनका आज जन्म दिवस है और ऐसा हम लोग की बहुत बड़ी खुशी की बात है जो हमको ऐसा तेज तर्रार नेता साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में मिला हुआ है। हम दुआ करेंगे ऊपर वाले की वो जी हजारों साल, ये हमारी खुशी है। गणेश भाई इसी तरह आगे बढ़ते रहे, जैसे आज उनका बर्थडे है, बर्थडे यानी कि एक मराठी मध्ये बोलतात की वाढदिवस म्हणजे वाढता वय, तसं वाढता वयाप्रमाणे तेही वाढत जावे पुढे, हे आमच्या 173 वॉर्ड तर्फे हार्दिक त्यांना शुभेच्छा। आज हम बहुत खुश है, हमारे भाई का बर्थडे है, बस कुछ बोल नहीं सकते हम उस पे। कैमरामैन रोशन गायकवाड और इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चैनल, मुंबई।